Hello learners, welcome back for the new video. In this video we will see disinfection by chlorination. Chlorination jo hai wo ek disinfection ki method hai, wo detail mein dekhenge hum chlorination aur kon kon se form mein chlorination kiya jata hai, chemical reactions kya hoti hai, kaise removal hota hai, wo dekhenge is video mein. So let's start. डिसइंफेक्शन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो लास्ट वीडियो में हमने देखा है. वेरियस डिफरेंट डिसइंफेक्शन के जो मेथड्स है वो भी हमने देखे. तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है. मटेरियल यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, जो मटेरियल हम यूज करने वाले डिसइंफेक्टेंट के लिए डिसइंफेक्शन के लिए उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा. मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन में हमने बॉइलिंग ऑफ वाटर, हेलोजन्स यूज करके, एक्सेस लाइम यूज करके, ओजोनेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पोटेशियम परमैंगनेट, सिल्वर ट्रीटमेंट, ये जो है ये सभी मेथड्स हमने क्या किए लास्ट वीडियो में देखे. इस वीडियो में हम डिटेल में क्लोरिनेशन देखेंगे. डिसइंफेक्शन की जो मेथड नेक्स्ट मेथड जो है वो क्लोरिनेशन है. मोस्टली बहुत सी जगह पे क्लोरिनेशन ही यूज किया जाता है, लार्ज स्केल पे क्लोरिनेशन ही यूज किया जाता है, इसीलिए ये इसका वीडियो जो है सेपरेट बनाया है और ये हम आज डिटेल में देखेंगे. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन. अब स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दो चीज रहती है. स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही यूज किया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है दोनों मेथड में. स्टरलाइजेशन अलग है और डिसइंफेक्शन अलग है. तो क्या है वो देखते हैं. स्टरलाइजेशन है ना फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और रिमूव ऑल माइक्रोबियल लाइफ. यानी स्टरलाइजेशन या फिजिकल और केमिकल प्रोसेस वो क्या करती है, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में प्रेजेंट है या वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है उनको सभी को डिस्ट्रॉय करती है और कंप्लीटली रिमूव कर देती है. वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है. और डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या है देखना, ध्यान देना. डिसइंफेक्शन प्रोसेस इज द रिमूवल और इनएक्टिवेशन ऑफ डिसीज कॉजिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स. जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है उन्हें ही क्या करती है, रिमूव करती है या फिर उन्हें ही क्या करती है, इनएक्टिव करती है. वो प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिसइंफेक्शन कहते हैं. स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में ये फर्क है. स्टरलाइजेशन में सभी माइक्रोबियल लाइफ है, सभी माइक्रोबियम्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं. डिसइंफेक्शन में वो सिर्फ इनएक्टिव हो जाते हैं, उनका इफेक्ट वाटर में नहीं रहता. और वो भी कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस है जो पैथोजेनिक है वो. देन क्लोरिनेशन क्या है वो देखते हैं. क्लोरिनेशन इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द क्लोरीन टू द वाटर एज अ मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन. जैसे कि सिंपल डेफिनेशन है, जैसे कोआगुलेशन के डेफिनेशन में देखी थी, इट इज द एडिशन ऑफ कोआगुलेंट्स टू द वाटर फॉर द प्यूरिफिकेशन मेथड. इधर भी सेम ही है, सिर्फ कोआगुलेंट की जगह क्या है, केमिकल. और इधर दोनों का पर्पज अलग है. पर्पज क्या है इसका, क्लोरिनेशन का, टू डिसइनफेक्ट और डिसइनफेक्शन टू रिमूव पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड मेक इट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. क्लोरिनेशन क्यों करते हैं, डिसइनफेक्शन करने के लिए करते हैं. और जो पैथोजेनिक डिसइनफेक्शन है ना, क्या जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए और वो वाटर को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सुटेबल बनाने के लिए या फिर पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरिनेशन करना पड़ेगा. तो ये सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ क्लोरीन टू द वाटर सैंपल टू रिमूव पैथोजेनिक बैक्टीरिया. ऐसा ही बोले तो भी चलेगा. देन व्हाई क्लोरीन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट. क्लोरीन सभी जगह क्यों यूज किया जाता है वो देखेंगे. फर्स्ट रीजन है क्लोरीन कंपाउंड्स विल डिस्ट्रॉय डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इफेक्टिवली. क्लोरीन कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं, जब क्लोरीन ऐड करते हैं तो क्लोरीन कंपाउंड फॉर्म होते हैं, फ्री क्लोरीन फॉर्म होता है, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन फॉर्म होता है या फिर उसे फ्री अवेलेबल क्लोरीन भी कहते हैं, कंबाइंड क्लोरीन फॉर्म होता है. तो वो इफेक्टिवली क्या करता है, माइक्रोबियम्स बैक्टीरिया को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है. Then easy to implement when compared to other water treatment methods. Easy to implement other water treatment methods. जैसे देखेंगे ओजोनेशन देखेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देखेंगे, तो या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर देखेंगे, ये इजिली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके डिसएडवांटेज ज्यादा है लार्ज स्केल में. इसीलिए क्लोरीन जो यूज होता है इजी टू इम्प्लीमेंटेड है, इसीलिए क्लोरीन वाइडली यूज किया जाता है. इट इज चीप, क्लोरीन की कॉस्ट बहुत कम है, इजी टू हैंडल, हैंडल करने में कोई तकलीफ नहीं आती, इजीली अवेलेबल, लोकली अवेलेबल, इजीली मिल जाता है लार्ज क्वांटिटी में और प्राइस भी कम है. देन सबसे मेन जो एडवांटेज है या फिर सबसे मेन जो रीजन है क्लोरीन वाइडली यूज करने का, वो ये रीजन है कि इट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रेसिडुअल डिसइंफेक्शन इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग पीरियड तक रहता है. यानी हमने केमिकल हमने ऐड किया, क्लोरीन हमने वाटर सैंपल में ऐड किया, तो
वो सिर्फ वाटर में के प्रेजेंट जो माइक्रोबियस बैक्टीरिया वो ही डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो तो डिस्ट्रॉय करते ही, उसके बाद में भी उसका कुछ रेसिडुअल जो है वो वाटर में प्रेजेंट रहता है, और उस वजह से फर्दर कंटेमिनेशन जो है आगे जाके, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सपोज हमने क्लोरीन ऐड किया, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो वाटर में के जो बैक्टीरिया रहेंगे वो तो डिस्ट्रॉय होंगे ही। ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूरिंग स्टोरेज, अगर वाटर में कहीं से कंटेमिनेशन हो गया तो क्लोरीन क्या करता है, वो भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। तो इसीलिए सबसे मेन जो एडवांटेज यही है, और सबसे मेन यही रीजन है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज द मोस्ट वाइडली यूज डिसइनफेक्टेंट। देन एक डिसएडवांटेज यह है इसका, क्लोरीनेशन का, इट इम्पार्ट्स बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करेंगे वो, अगर ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे हम, ज्यादा अमाउंट में हम ऐड करेंगे तो, एंड ओडर टू वाटर इफ यूज्ड इन लार्ज अमाउंट, अगर टेस्ट और ओडर खराब करेंगे वाटर सैंपल की, इसलिए ज्यादा कब, जब हम ज्यादा अमाउंट में हम क्लोरीन जब ऐड करेंगे तो। आपने देखा होगा घर में जब मोस्टली रेनी सीजन में जब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो हमारे पास पानी आता है उसमें थोड़ी सी टेस्ट खराब रहती है, कि यार क्लोरीन की टेस्ट आती है, वो इसीलिए आती है कि उसका रीजन ये रहता है कि क्लोरीन का जो डोज हो जाता है, क्लोरीन का डोज ज्यादा हो जाता है, जानबूझकर ज्यादा डाला जाता है क्लोरीन का डोज। क्यों? इसलिए क्योंकि वाटर बॉर्न डिसीजेज जो होते हैं वो वाटर बॉर्न डिसीजेज रेनी सीजन में ज्यादा रहते होते हैं, और उनका जो इम्पैक्ट होता है वो ह्यूमन बॉडी पे ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा डोज रेनी सीजन में डाला जाता है, बाकी अदर सीजन्स में या बाकी अदर पीरियड में डोज जो है वो ज्यादा डाला नहीं जाता। देन हिस्ट्री ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन स्टार्ट कैसे हुआ देखेंगे। क्लोरीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन स्वीडन इन 1744, 1741 में, फोर में पहले डिस्कवर किया गया क्लोरीन। एट दैट टाइम पीपल बिलीव दैट ओडर फ्रॉम द वेस्ट वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिसीज। उनका उस समय वो लोगों का क्या मानना था कि जो वाटर की वजह से जो डिसीज होती है वो वाटर में जो खराब स्मेल आती है उस वजह से डिसीज जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन अभी तो हमें पता चल गया वो वैसा कुछ नहीं है। देन इन 1835 क्लोरीन वाज यूज्ड टू रिमूव ओडर फ्रॉम द वाटर। उस समय क्लोरीन जो है वाटर में की जो ओडर है, ओडर रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, जो ऑर्गेनिक मैटर, क्लोरीन जो है वो एज अ ऑक्सीडेशन भी, ऑक्सीडेंट भी यूज किया जाता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका भी ऑक्सीडेशन करता है, फिर जो ओडर पोल्यूशन, पोल्यूटिंग जो इम्प्यूरिटीज है उन्हें भी क्या करता है, क्लोरीन डिस्ट्रॉय करता है। तो इसीलिए ओडर जो है वाटर में की रिमूव की जा सकती है क्लोरीन में। 1985 में पहली बार हुआ था वैसा, अभी भी यूज करते हैं हम वो, सॉरी 1835 में। देन आफ्टर 1890 क्लोरीन बिकम अ वे टू रिड्यूस द अमाउंट और द रेट ऑफ डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। 1890 में क्लोरीन जो डिस्कवर हुआ वो जो रेट है, रेट ऑफ डिसीज ट्रांसमिटेड बाय वाटर और द रेट ऑफ डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू द वाटर, तो वो रेट कम करने के लिए क्लोरीन जो है वो यूज किया, यानी एज अ डिसइनफेक्टेंट यूज किया गया। देन क्लोरीनेशन बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन एंड देन एक्सपांडेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1908 एंड कनाडा बाय 1917। 1917, 1908 तक यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में क्या हो गया, क्लोरीनेशन जो है वो सब जगह यूज करने लगे। ये तो थी हिस्ट्री ऑफ क्लोरीनेशन। देन डिसइनफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन क्या है देखेंगे, किस प्रकार डिसइनफेक्शन होता है या केमिकल रिएक्शंस क्या क्या इन्वॉल्व होती है जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं, और उसमें कौन से प्रोडक्ट्स एज अ डिसइनफेक्टेंट यूज किए जा सकते हैं या फिर यूज होते हैं वो देखेंगे। क्लोरीन व्हेन एडेड टू वाटर अंडरगोज वेरियस रिएक्शंस विद वाटर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वाटर। क्लोरीन जो है जब हम ऐड करते हैं उसमें वाटर के साथ बहुत सारी रिएक्शन जो है वो होती है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो देखेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होता है Cl2 ऐड करने के बाद, तो रिएक्शन दे उसे हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस यानी केमिकल रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल की जाती है उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो Cl2+H2O यूज HOCl+HCl, यानी Cl2 अगर हमने डाले, क्लोरीन हमने ऐड किया वाटर में, तो उसका कन्वर्जन काय में होता है, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl और H2O, सॉरी HOCl एंड HCl में जो है उसका कन्वर्जन होता है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब पीएच जो है वाटर सैंपल की, 2 मिनट, ये तभी पॉसिबल है जब वाटर सैंपल की पीएच ग्रेटर देन 5 रहेंगी,
अगर ग्रेटर देन 5 नहीं है वाटर सैंपल की पीएच, तो उस समय क्या होगा, वाटर जो क्लोरीन जो वो एज अ एलिमेंटल क्लोरीन ही प्रेजेंट रहेगा। देन नेक्स्ट है, अगर वाटर सैंपल की पीएच जो है वो वाटर सैंपल की पीएच 5 से ज्यादा है, लेकिन उसमें भी अगर दो कैटेगरी, अगर वाटर सैंपल की पीएच 8 से ज्यादा है, 5 से भी ज्यादा है और 8 से भी ज्यादा है, तो उस समय क्या होगा, एचओसीएल का जो जो एचओसीएल जो अभाव रिएक्शन में जो एचओसीएल फॉर्म हुआ है वो एचओसीएल का कन्वर्जन हो जाएगा, या फिर वो एचओसीएल डिसोसिएट हो जाएगा एच पॉजिटिव और ओसीएल निगेटिव आयन में, है ना, हाइड्रोजन आयन में और हाइपोक्लोराइट आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये कब होगा, तब जब एचओसीएल जो है वो एचओसीएल फॉर्म होने के बाद पीएच वाटर सैंपल की अगर 8 से ज्यादा है, तो अगर वाटर सैंपल की पीएच 7 से कम है, अगर वाटर सैंपल की पीएच अगर 7 से कम है और 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा रहेंगी तभी एचओसीएल फॉर्म होगा, लेकिन 5 से 7 के बीच में है अगर वाटर सैंपल की पीएच, तो उस समय कहेंगे ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है, 8 में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होंगी 8 से ऊपर रहेंगी तो, और 8 से अगर कम रहेंगी पीएच तो उस समय जो रिएक्शन होंगी वो रिवर्स डायरेक्शन में होंगी, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं है क्या, जो एच पॉजिटिव आयंस और ओसीएल निगेटिव आयंस जो फॉर्म हुआ वो फिर से क्या फॉर्म कर लेगा, एचओसीएल फॉर्म कर देगा। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, कब, जब अगर पीएच लेस देन 7 है तो। देन बिलो 5 पीएच द क्लोरीन डजेंट रिएक्ट, इट रिमेन्स एज अ एलिमेंटल क्लोरीन। 5 पीएच से अगर कम रहेगा तो क्लोरीन एज अ क्लोरीन ही प्रेजेंट रहेगा वाटर सैंपल में, Cl2 Cl2 ही रहेगा उसकी, ये जो पहली रिएक्शन है हमने जो देखी है, ये जो ऊपर की जो पहली रिएक्शन है, ऊपर की पहली रिएक्शन कैरी नहीं करेंगी। देन HOCl इज अनस्टेबल एंड मे ब्रेक इनटू H+ एंड OCl आयंस। HOCl जो है वो अनस्टेबल है और वो ब्रेक हो जाएगा काय में, उस HCl और OCl निगेटिव, सॉरी H पॉजिटिव और OCl निगेटिव आयन्स में, हाइपोक्लोराइट आयन बोलते हैं उसको, जैसे मैंने पहली रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन किया ही। देन द डिसोसिएशन ऑफ HOCl इज मोर इफेक्टिव एट हाई पीएच एंड वाइस वर्सा। HOCl जो का डिसोसिएशन जो होने वाला है, जितनी पीएच वाटर की हाई रहेंगी उतना डिसोसिएशन ज्यादा होगा और उतना रैपिडली होगा, अगर पीएच कम है तो एचओसीएल का डिसोसिएशन होगा ही नहीं, जैसे पीएच 7-8 से ज्यादा है तो डिसोसिएशन होगा एचओसीएल का, अगर पीएच 8 से कम है तो डिसोसिएशन नहीं होगा। देन एचओसीएल इज 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन ओसीएल निगेटिव। अब ये जो एचओसीएल फॉर्म हुआ है, एचओसीएल और ओसीएल निगेटिव ये दोनों भी डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, दोनों में डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी है, ये दोनों बैक्टीरिया रिमूवल के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जो एचओसीएल है वो एचओसीएल 80 टाइम्स इफेक्टिव है ओसीएल निगेटिव, ओसीएल निगेटिव से एचओसीएल जो है वो 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव है। इसीलिए क्या किया जाता है, वाटर सैंपल की जो पीएच है वो वाटर सैंपल की पीएच 8 से ज्यादा ना प्रोवाइड करके वो वाटर सैंपल की पीएच को क्या किया जाता है, 7 के आसपास से 7 के नीचे ही रखा जाता है, जो यानी कि एचओसीएल का डिसोसिएशन ना हो, अगर एचओसीएल का डिसोसिएशन नहीं होगा तो जो इफेक्टिव है जैसे कि एचओसीएल 80 टाइम्स इफेक्टिव, तो जो बैक्टीरियल रिमूवल की इफिशियंसी वो ज्यादा मिलेंगी अगर पीएच 7 से कम है तो। हेंस द प्रिफर्ड पीएच फॉर डिसइंफेक्टेंट विथ क्लोरीन इज 6.7। पीएच जो प्रीफर की जाती है डिसइन्फेक्शन विद क्लोरीन से वो 6.7 प्रीफर की जाती है, उसके आसपास, लेकिन 7 से कम, 7 से ज्यादा नहीं और 5 से ज्यादा। देन डिसइन्फेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड एंड क्लोराइड आयन आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज फ्री क्लोरीन, फ्री क्लोरीन रेसिडुअल्स और फ्री अवेलेबल क्लोरीन। ये जो है क्लोरीन, जैसे Cl2 हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl क्लोराइड आयन, OCl निगेटिव जो है आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज फ्री क्लोरीन रेसिडुअल्स, उसे फ्री क्लोरीन रेसिडुअल्स भी कहा जाता है, फ्री अवेलेबल क्लोरीन भी कहा जाता है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन वाटर, अगर अमोनिया वाटर में प्रेजेंट है तो क्या होगा, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन की रिएक्शन जो है वो, या फिर एचओसीएल की जो रिएक्शन है वो होंगी अमोनिया के साथ कैरी की जाएंगी, हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया एंड सक्सेसिवली गिव्स मोनोक्लोरामाइन, डायक्लोरामाइन एंड ट्राइक्लोरामाइन। और ये जो मोनोक्लोरामाइन, डायक्लोरामाइन, ट्राइक्लोरामाइन फॉर्म हुआ है वो कंबाइन क्लोरीन है, और ऊपर के जो बताया मैंने क्लोरीन, हाइपोक्लोरस एसिड एंड क्लोराइड आयन, ये फ्री अवेलेबल क्लोरीन है, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछा जाता है इस इन दोनों के बेसिस पे। देन अब जैसे कि बताया कि क्लोरीन अगर ऐड किया तो क्लोरीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ भी प्रेजेंट होती है, क्लोरीन है Cl, अमोनिया है NH3, तो NH3 के साथ भी रिएक्शन होगी, तो
डिपेंड करेगा कि जो क्लोरीन और अमोनिया का जो रेशियो है वो कितना रेशियो है, या यानी अगर ज्यादा रेशियो होगा तो डाइक्लोरोअमाइन फॉर्म होगा, और ज्यादा रेशियो होगा तो ट्राइक्लोरोअमाइन फॉर्म होगा, कम होगा तो मोनोक्लोरोअमाइन फॉर्म होगा, या तो फिर और उससे भी कम होगा तो मोनोक्लोरोअमाइन भी फॉर्म नहीं होगा। देन फर्स्ट केस देखेंगे, जब जो वेट रेशियो है क्लोरीन और अमोनिया का वो 5:1 है, यानी सपोज फॉर एग्जांपल 5 ग्राम अगर हमने सीएल लिया तो वो अगर वाटर सैंपल में 1 ग्राम एन अमोनिया प्रेजेंट है, तो उस समय क्या होगा, जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ही रिएक्शन कैरी होंगी। वो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, HOCl जो प्रेजेंट है वाटर सैंपल में, जो HOCl जो फॉर्म हुआ है वो HOCl की रिएक्शन होगी, NH3 से अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी, और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन निकल के इधर ज्वाइन होगा, और इधर का जो Cl है वो इधर क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, तो NH2Cl फॉर्म होगा। एक हाइड्रोजन गया और एक Cl लगा NH2Cl, और इधर का Cl का हाइड्रोजन है HOOH, HOH मींस H2O फॉर्म हो गया। देन नेक्स्ट है, अगर वाटर जो वेट रेशियो है क्लोरीन और अमोनिया का वो 10:1 है, तो उस समय 10:1 से कम है, लेकिन 5:1 से क्या है ज्यादा है, और 10:1 से क्या है कम है, तो उस समय जो रिएक्शन कैरी आउट होंगी वो रिएक्शन होंगी कि जो मोनोक्लोरोमाइन फॉर्म हुआ है, NH2Cl मोनोक्लोरोमाइन है, ये जो फॉर्म हुआ है उसका ये रिएक्ट होता है फिर से HOCl के साथ, जो एक्सेस में HOCl प्रेजेंट है, और फिर बाद में वो जो HOCl है उसका कन्वर्जन होगा फिर से डायक्लोरोअमाइन में, यानी सॉरी जो मोनोक्लोरोअमाइन का कन्वर्जन होगा डायक्लोरोअमाइन में, यानी कि इसमें का एक और एक हाइड्रोजन जाएगा और एक सीएल क्या होगा इसमें ऐड होगा, इसलिए 2 सीएल होगा इधर, यानी NH2Cl सॉरी NHCl2 ये रहेगा डायक्लोरोअमाइन प्लस H2O मॉलिक्यूल। थर्ड रिएक्शन अगर वाटर में वेट अगर वाटर में जो वेट रेशियो है वो क्लोरीन और अमोनिया का वेट रेशियो 10:1 से ज्यादा है, तो जो डायक्लोरोअमाइन जो फॉर्म हुआ वो फिर से रिएक्ट होगा HOCl के साथ, और उसका कन्वर्जन होगा NCl3 यानी ट्राइक्लोरोअमाइन में और प्लस H2O मॉलिक्यूल में। तो ये थी रिएक्शंस अमोनिया के साथ, क्लोरीन जब ऐड करेंगे हम वाटर सैंपल में हाइपोक्लोरस एसिड और अमोनिया की रिएक्शन होती है, और वो फॉर्म करता है मोनो डाय और ट्राइक्लोरोअमाइन फॉर्म करता है, ये भी एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं। सो NH2Cl इज मोर प्रीडोमिनेंट एट पीएच ग्रेटर देन 7, NH2Cl प्रीडोमिनेंट है 7 ग्रेटर देन 7.5 से, NH2Cl एट पीएच 5 to 6.5 एंड NH3Cl एट पीएच लेस देन 4.4 सॉरी NCl3 एट पीएच लेस देन 4.4। देन क्लोरोअमाइन सो फॉर्म्स आर स्टेबल एंड हैज डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी, क्लोरोअमाइन जो है वो स्टेबल है और उसमें डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी रहती है, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं वो। देन क्लोरामाइन्स आर ऑल्सो रिफर्ड सॉरी क्लोरामाइन्स ऑल्सो रिमूव ओडोर बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, क्लोरामाइन जो वाटर में की जो ओडर है वो भी रिमूव करता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ओडर जो है वो रिमूव नहीं करता, थोड़ा ही रिमूव करता है। देन इट इज लेस इफेक्टिव डिसइन्फेक्टेंट एज कम्पेयर टू फ्री रेसिड्यूल क्लोरिन, ये जो है लेस इफेक्टिव डिसइन्फेक्टेंट है एज कम्पेयर टू फ्री रेसिड्यूल क्लोरीन से, और ये जो है वो फ्री रेसिड्यूल क्लोरीन से 25 टाइम्स क्या है लेस है, यानी HOCl या फिर क्लोराइड आयन लेंगे तो उससे जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो 20-25 टाइम्स क्या है लेस इफेक्टिव है। देन नेक्स्ट डोज ऑफ क्लोरीन, डोजिंग कैसे देते हैं, डोजिंग क्या कैसे डिसाइड होती है देखते हैं। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन इट, कितने अमाउंट में क्लोरीन रिक्वायर्ड लगेगा, कितने अमाउंट में क्लोरीन हमें वाटर सैंपल में ऐड करना पड़ेगा वो डिपेंड करेंगे, ऑब्वियसली वो डिपेंड करेंगे कितने अमाउंट में इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज जैसे जो क्लोरीन ऐड करने के बाद इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज क्लोरीन को कंज्यूम करती है वो कौन कौन सी है, सल्फेट है, फेरस है, FeIn जो बोलते हैं हम वो, देन मैंगनीज, नाइट्राइट और भी बहुत बहुत से है। तो ये क्या करते हैं, जब हम क्लोरीन वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्लोरीन का कन्वर्जन कर देते हैं क्लोराइड में, ये क्लोरीन का कन्वर्जन किस में कर देते हैं क्लोराइड में कर देते हैं, और जो क्लोराइन जो फॉर्म क्लोराइड जो फॉर्म होता है ये क्लोराइड में डिसइन्फेक्टेंट प्रॉपर्टी नहीं रहती, इसलिए ये किसी भी काम का नहीं रहता है। देन लेटर उसके बाद अगर एक्सेस क्लोरीन इज कंज्यूम्ड बाय इज एडेड देन इट इज कंज्यूम्ड बाय अमोनिया टू फॉर्म क्लोरामाइन, उसके बाद हम क्लोरीन उससे ज्यादा हम क्लोरीन अगर ऐड करते तो क्या होगा, जो अमोनिया प्रेजेंट है वाटर सैंपल में वो अमोनिया क्या करेंगे क्लोरीन कंज्यूम करेंगे और क्लोरामाइन फॉर्म करेंगे, जैसे डाय ट्राय मोनो डाय ट्राय क्लोरामाइन क्या करेंगे वो फॉर्म करेंगे। देन
लेकिन जो क्लोरामाइन है वो क्लोरामाइन एज अ डिसइंफेक्टेंट हम यूज कर सकते, लेकिन क्लोराइड आयन जो है Cl निगेटिव जो है वो हम यूज नहीं कर सकते. देन साइमल्टेनियसली क्लोरीन विल ऑल्सो रिएक्ट विद ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी. जैसे अमोनिया के साथ क्लोरीन रिएक्ट हो, वैसे ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी के साथ भी क्लोरीन जो है वो रिएक्ट होगा. रिएक्शन विद ऑर्गेनिक्स टू फॉर्म कंबाइंड क्लोरीन रेसिड्यूल्स आर यूजुअली नॉट सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू क्लोरामाइंस. अब जब अमोनिया के साथ क्लोरीन रिएक्ट होकर क्लोरामाइन जो फॉर्म होता है वो तो डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी रहता है और वो सिग्निफिकेंट भी रहता है. लेकिन जो ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज के साथ जब क्लोरीन ऐड क्लोरीन रिएक्ट होगा तो कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन ऑफ ऑर्गेनिक जो फॉर्म करेंगे वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता रिमूवल में, इसलिए ज्यादा उसे सिग्निफिकेंट ज्यादा उसका सिग्निफिकेंस भी नहीं है. देन द फ्री क्लोरीन इंस्टेंटेनियसली किल द बैक्टीरिया वाइल द कंबाइंड क्लोरीन विल प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म जर्मिसाइडल इफेक्ट. तो फ्री क्लोरीन रहते वो इंस्टेंटली, जब फ्री क्लोरीन में HOCl OCl निगेटिव जो ये आयन है या फिर ये जो डिसइंफेक्टेंट है फ्री क्लोरीन जिसे हम कहते हैं वो इंस्टेंटेनियसली वाटर में की जो बैक्टीरिया है वो उन्हें क्या करता है किल करता है. और जो कंबाइंड क्लोरीन है वो लॉन्ग टर्म जर्मिसाइडल इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है. फर्दर कंटेमिनेशन होकर वाटर का हुआ डिसइंफेक्शन करने के आधा घंटे बाद 1 घंटा बाद तो वो क्या करता है वो बैक्टेरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम क्या किसका रहता है कंबाइंड क्लोरीन का. देन द डिसइन्फेक्शन इज सेटिस्फैक्टरी इफ देयर इज अ 0.2 mg/L ऑफ फ्री रेसिडुअल क्लोरीन आफ्टर 10 मिनट्स. डिसइन्फेक्शन जो है वो सेटिस्फैक्टरी कब कहेंगे हम, अगर हमने एक पर्टिकुलर डोज अगर वाटर सैंपल में ऐड किया वो डोज ऐड करने के बाद अगर वाटर सैंपल में 10 मिनट के बाद 0.2 mg/L या उससे थोड़ा ज्यादा अगर क्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो रेसिडुअल क्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे कि जो डिसइन्फेक्शन है वो सेटिस्फैक्टरी यानी डिसइन्फेक्टेंट अच्छे से हुआ है. देन लॉन्गर डोज विल इम्पार्ट बैड टेस्ट एंड स्मॉलर डोज इज नॉट इफेक्टिव. लार्जर डोज अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो लार्जर डोज जो है वो बैड टेस्ट और ओडर प्रोड्यूस करेगा, और अगर स्मॉलर डोज अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो जितना जो इफेक्टिवनेस है वो इफेक्टिवनेस नहीं मिलेगा यानी जो इफिशियंसी वो इफिशियंसी उतनी नहीं मिलेंगी. इसलिए ऑप्टिमम जो डोज है वो डोज हमें क्या करना चाहिए प्रोवाइड करना चाहिए. देन इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरीन इज आल्सो डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ वाटर. क्लोरीन का इफेक्टिवनेस हमने रिएक्शंस में पहले ही देखा, पिछले रिएक्शंस में हमने देखा कि जो क्लोरीन है वो इफेक्टिवली एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही वर्क करता है. तो वो जो है जैसे pH 5 से ज्यादा रहेंगी तो HOCl फॉर्म होगा, 8 से 7 से कम होंगी तो HOCl ही प्रेजेंट रहेगा, 8 से ज्यादा रहेंगी तो OCl निगेटिव फॉर्म होगा. तो ये जो ये pH पे डिपेंड है जो इफेक्टिवनेस है वाटर का इस, और हमें पता है कि HOCl जो है यानी हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है रिमूवल के लिए डिसइन्फेक्शन के लिए, और उसकी जो इफेक्टिव pH रेंज है वो 7 से कम चाहिए. इसीलिए जो इफेक्टिव इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरीन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ वाटर. वेन द पीएच ऑफ वाटर इज स्लाइटली लेस देन 7 इट इज बिकॉज ऑफ ओनली द HOCl. HOCl की वजह से है क्योंकि HOCl इफेक्टिवली वर्क करता है लेस देन 7 pH पे. देन अब इफेक्टिव जो है अब जो जैसे बताया कि लार्जर डोज दिया तो टेस्ट खराब आएंगी वाटर की, कम दिया तो इफेक्टिव होंगे, इसलिए ऑप्टिमम डोज जब वो फाइंड करना जरूरी है नेसेसरी है तो देखेंगे कैसे करते हैं वो. द ऑप्टिमम डोज ऑफ क्लोरीन कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली बाय एडिंग वेरिंग डोज ऑफ क्लोरीन टू अ गिवन सैंपल. एक वाटर सैंपल लेना, 6 बीकर में वाटर सैंपल लिया, उसमें क्या किया हमने डिफरेंट डिफरेंट डोज क्या करे डिफरेंट डिफरेंट क्लोरीन के डोज क्या करे हमने ऐड करे. फिर उसके बाद में ऑब्जर्व द रेसिडुअल क्लोरीन आफ्टर द कॉन्टेक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट्स. उसके बाद जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो रेसिडुअल क्लोरीन हमें फाइंड करना है आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ कॉन्टेक्ट पीरियड. 10 मिनट्स का टाइम देने के बाद यानी कॉन्टेक्ट टाइम देने के बाद 10 मिनट्स का कॉन्टेक्ट टाइम देने के बाद हमें क्या करना है रेसिडुअल क्लोरीन हमें मेजर करना है या ऑब्जर्व करना है. देन द डोज विच गिव्स रेसिडुअल क्लोरीन ऑफ 0.2 mg/L इज सिलेक्टेड. जो डोज रेसिडुअल क्लोरीन 0.2 mg/L देगा वो हमें सिलेक्ट करना है और वो डिसाइड करना है कि वो जो डोज दिया है हमने वो डोज क्या है ऑप्टिमम डोज ऑफ क्लोरीन है. दिस टोटल डोज माइनस द रेसिडुअल क्लोरीन जो टोटल डोज हमने प्रोवाइड किया, सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 mg/L हमने प्रोवाइड किया और उसमें से 10 मिनट बाद सपोज 0.2 mg/L क्या हुआ जो क्लोरीन है वो क्लोरीन बचा 10 मिनट बाद, यानी हमने अप्लाइड किया 5 mg/L 0.2 mg/L क्या हुआ सिर्फ बचा, यानी कि टोटल कितना यूज हुआ है वाटर सैंपल ने टोटल कितना यूज किया 5 - 0.2 यानी 4.8 mg/L क्या हुआ यूज हुआ. यानी कि वाटर की क्या है वो वाटर की रिक्वायरमेंट उतनी है यानी उतना
4.8 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन क्या लगेंगे, वाटर को लगेंगे एज अ डिसइंफेक्टेंट। इसीलिए कहा गया कि क्लोरीन वो ही डिमांड रहेंगी वाटर की, उसे क्लोरीन डिमांड कहते हैं। तो क्लोरीन डिमांड कैसे फाइंड करते हैं कि द टोटल डोज माइनस द रेसिडुअल क्लोरीन रिप्रेजेंट द क्लोरीन डिमांड। टोटल डोज में से रेसिडुअल क्लोरीन माइनस करें तो क्लोरीन डिमांड मिलेगा हमें। देन द क्लोरीन डोज मस्ट बी हाई इन रेनी सीजन सीजन एंड एपिडेमिक्स। रेनी सीजन और एपिडेमिक्स के समय में क्लोरीन डोज हाई चाहिए, क्योंकि उस समय जो कंटेमिनेशन है वो कंटेमिनेशन वाटर का हाई रहता है, बैक्टीरिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस माइक्रोरिज्म ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उस समय डोज भी हाई देना चाहिए। देन डिफरेंट डोज ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। इधर टाइप्स रह गए, डिफरेंट डोज ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। जैसे कि इधर देखिए, इधर लेफ्ट साइड के कॉलम में टाइप्स ऑफ वायरसेस टू बी किल्ड और राइट साइड में क्वांटिटी ऑफ फ्री क्लोरीन रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर 30 मिनट्स का कॉन्टैक्ट पीरियड देने के बाद और पीएच जो है 7 से कम रहने के बाद। तो डोज कितना लगता है देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस के लिए। पोलियो मिलीटस वायरस उसका जो डोज है वो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर है। देन हेपेटाइटिस वायरस 0.4, देन साइटस 3 और उससे थोड़ा सा कम, देन ट्यूबरकुलोसिस उसका जो डोज है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर है। कोक्सासाइस की वायरस जो है उसका जो है वो सबसे ज्यादा है 21 to 138 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये जो है डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के डोज कितना देना है वाटर सैंपल में क्लोरीन का, वो डिपेंड करता है कौन से टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इतना डोज ऑफ क्लोरीन। देन अप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन ऑफ वाटर सैंपल में अप्लीकेशन क्लोरीन किस किस टाइप में हम ऐड कर सकते हैं। एक तो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड क्लोरीन और क्लोरीन गैस। लिक्विड क्लोरीन हम ऐड कर सकते हैं वाटर में एज अ डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन गैस भी हम वाटर में ऐड कर सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। देन इन द फॉर्म ऑफ हाइपोक्लोराइट और ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं हम CaOCl2 या फिर NaOCl या फिर हाइपोक्लोराइट आयन भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। CaOCl2 जब वाटर में ऐड करेंगे तो इसका डिसोसिएशन होगा Ca2+ और OCl निगेटिव फॉर्म का है, OCl निगेटिव या हाइपोक्लोराइट आयन है, इसीलिए बोला इन द फॉर्म ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन और इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरामाइंस, क्लोरामाइंस के थ्रू जैसे मोनो डाय ट्राई क्लोरामाइन मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड क्लोरीन, अमोनिया और क्लोरीन का मिक्स करके वाटर में ऐड करने का। देन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं डिसइंफेक्शन कर सकते हैं जैसे ClO2। तो ये था अप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन। देन क्लोरीन डिमांड क्या है वो देखते हैं, पिछले स्लाइड में तो हमने देखा ही वैसे क्लोरीन डिमांड। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूज्ड अप बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस इज डिफाइन एज क्लोरीन डिमांड। क्लोरीन डिमांड क्या है, द अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूज्ड जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वो क्या करते हैं क्लोरीन जो है वो यूज करते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है क्लोरीन की उसे क्या कहेंगे हम, क्लोरीन डिमांड कहेंगे। क्लोरीन डिमांड का फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एमसीक्यू सॉल्व करते समय काम में आएगा। क्लोरीन डिमांड इज इक्वल टू अप्लाइड क्लोरीन डोज माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। जैसे पिछले इसमें मैंने एग्जांपल दिया था क्लोरीन डिमांड कैसे फाइंड करना, पिछले स्लाइड में अप्लाइड क्लोरीन अगर हमारा हमने क्लोरीन का डोज 5 मिलीग्राम पर लीटर दिया और जो डोज है रेसिडुअल क्लोरीन जो बचा है वो 0.2 बचा है, यानी 5 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 4.8 क्लोरीन डिमांड है। देन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिमेनिंग आफ्टर द क्लोरीन डिमांड हैज सेटिस्फाइड is called as residual chlorine and expressed as milligram per liter. जो chlorine remaining रहने वाला है जो water sample की जितनी demand है वो demand use करने के बाद वो demand fulfill होने के बाद जितना chlorine water sample में बचेगा उसे हम कहेंगे residual chlorine कहेंगे, और वो residual chlorine भी milligram per liter में ही expressed किया जाता है। तो ये था all about chlorination, क्लोरिनेशन या क्लोरीन जो डिसइंफेक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन जो वो मैं बताऊंगा, जैसे प्लेन क्लोरिनेशन क्या रहता है, प्री एंड पोस्ट क्लोरिनेशन क्या रहता है, डबल क्लोरिनेशन क्या रहता है, देन ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या रहता है, सुपर क्लोरिनेशन, डी क्लोरिनेशन क्या रहता है, सभी देखेंगे। उसमें सबसे मेन है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, वो हम पूरे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।